स्वागत है आप सभी का राजा ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैंने पिछले कक्षा में सोशल साइंस के पैटर्न और सोशल साइंस के सिलेबस के ऊपर बात किया था। आज हम सोशल साइंस का पहला किताब जिसका नाम है भूगोल, उस भूगोल के पहले चैप्टर को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और उस पहले चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें आज के इस क्लास में संसाधन के ऊपर चर्चा करना है और संसाधन के बारे में समझना है, संसाधन के परिभाषा को समझना है और संसाधन के प्रकारों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम संसाधन के ऊपर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। यहां हमने परिभाषा लिखा है कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यह है इसकी परिभाषा। लेकिन परिभाषा को समझने से पहले हम संसाधन को अपनी भाषा में समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वही संसाधन है। अभी आप मोबाइल में वीडियो देख रहे होंगे, यह मोबाइल भी एक प्रकार का संसाधन है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, किस चीज़ से लिख रहे हैं, कलम से। किस चीज़ पर लिख रहे हैं, बोर्ड पर। यानी बोर्ड और कलम ये भी संसाधन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर वह चीज़ संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। आपके घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपके घर में किताब होंगे, कलम होंगे, पंखे होंगे, कुर्सियाँ होंगी, टेबल होंगे, ये सभी चीज़ें काम की है। और जो भी काम की चीज़ें होती हैं उन सभी को हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का मतलब यही है। और इसीलिए हमने परिभाषा लिखा है कि पर्यावरण में उपलब्ध। पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती है उसमें उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन है। यानी हर चीज़ संसाधन है जिसका उपयोग मानव अपनी ज़रूरत के लिए करता है। यानी जो भी चीज़ का उपयोग हम ज़रूरत के लिए करते हैं उसी को कहते हैं संसाधन। आशा है कि आपको संसाधन की परिभाषा और संसाधन का अर्थ समझ में आ गया होगा। लेकिन संसाधन के कुछ शर्त भी होते हैं, उन शर्तों पर भी हम आज चर्चा करेंगे और समझेंगे पूर्णतः संसाधन के परिभाषा के बारे में। शर्त क्या है संसाधन होने का? तो संसाधन होने का शर्त यह है कि हम संसाधन उसको तो कहेंगे ही जिसका उपयोग हम जरूरत के लिए करते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्त भी है। क्या शर्त है इसमें? शर्त यह है कि वह वस्तु ही संसाधन कहलाएगा जिसका उपयोग आर्थिक रूप से संभव हो। इसका पहले मतलब समझिए आप। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि हमें सोना प्राप्त करना है। कहाँ से सोना प्राप्त करना है? तो मान लीजिए कि आप जहाँ अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चला कि उस जमीन के नीचे सोना का भंडार है। पता चला, मान लीजिए ये जमीन का ऊपरी सतह है, आप यहाँ बैठे हुए होंगे मान लीजिए ऊपर, और इस जमीन के नीचे सोना का भंडार आपको दिखाई दिया और इस सोने के भंडार में बहुत सोना भरा हुआ है। हम उसका कीमत एक अंदाजा के तौर पर लगा लेते हैं कि वहाँ पर लगभग 1 करोड़ का सोना है। 1 करोड़ का वहाँ पर सोना दबा हुआ है। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर 1 करोड़ का सोना है, यहाँ हम बैठे हुए हैं। अब जमीन के नीचे सोना है तो जमीन के नीचे से खोद कर निकालना पड़ेगा उसको। खोद कर कैसे निकालेंगे? तो खोद कर निकालने के लिए मशीनें लाने पड़ेगी, न जाने और भी कई चीज़ें लानी पड़ेगी, तभी जा कर के हम जमीन को खोदेंगे और तब जा कर के इस सोने को निकालेंगे। अब मान लीजिए कि हमने टीम को बुलाया, सारा मशीन वगैरह लाया और इस सोने को निकालने के लिए हमने काम स्टार्ट शुरू किया। इसको करने में बहुत सारा समय भी व्याप्त हुआ और लगभग इसमें 1.5 करोड़ का खर्चा आया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें काम को जब शुरू किए तो बहुत सारा समय भी लगा और इस सोने को निकालने के लिए हमें 1.5 करोड़ का खर्चा आया। अब इस बात को समझना है कि हमने अंदाज़ा लगाया था कि इसमें 1 करोड़ का सोना होगा और खर्चा कितना हुआ? लगभग 1.5 करोड़। इस तरह से तो देखा जाए कि हम सोना निकाल करके मुनाफे में नहीं है बल्कि घाटे में है। और जब घाटे हो तो फिर हम इसको संसाधन कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसी बात को हमने एक लाइन में कहा कि संसाधन वही हो सकता है जो आर्थिक रूप से संभव हो। यानी आर्थिक रूप से संभव होने का मतलब ये हुआ कि जिसमें हमें फायदे हों न कि नुकसान हो। नुकसान होगा तो वह संसाधन होगा ही नहीं। इसीलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप कि संसाधन हम उसी को नहीं कहेंगे जिसका उपयोग हम करते हैं, बल्कि उसको भी संसाधन कहेंगे जिसका उपयोग हम करते वक्त यह भी ध्यान में रखें कि वह लाभ होना चाहिए, उससे हमें नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो संसाधन का ये सब परिभाषाएं हैं, और संसाधन का परिभाषा आप लोगों को याद रख लेना है, बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है। कैसे याद रखेंगे? तो याद ऐसे रखेंगे कि हम बोलेंगे कि हर वह वस्तु हमारा पर्यावरण में, हर वह वस्तु संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। कोई भी वस्तु का उपयोग हम करते हैं, चाहे वह साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जहाज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वह सड़क हो, हर एक चीज़ संसाधन है। तो यहाँ तक हमने संसाधन के बारे में देखा। अब संसाधन का यहाँ पर हमने परिभाषा देखा, अब हम संसाधन के बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि क्या होता है, ये समझते हैं कि क्या है, बताते हैं। एक सेकेंड, हमने संसाधन का परिभाषा देख लिया, हम एक वर्ड लिखते हैं मानव। मानव एक शब्द है और मानव का मतलब होता है मनुष्य। अब समझना यह है हमें कि क्या मनुष्य संसाधन हो सकता है? जी हाँ, मनुष्य भी संसाधन हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि एक मानव दूसरे मानव के काम आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मानव है, मानव के रूप में डॉक्टर है, और एक मानव के रूप में पेशेंट है, एक मानव के रूप में पेशेंट है और एक मानव के रूप में डॉक्टर है। पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास और डॉक्टर का प्रयोग करके यह अपना इलाज करवाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि एक मानव दूसरे मानव का उपयोग कर रहा है, तो इस तरह से मानव भी संसाधन होगा। मानव भी स्वयं में एक संसाधन है, और मानव तो एक ऐसा संसाधन है जिसको सभी संसाधन में सबसे सर्वोच्च संसाधन माना गया है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि सभी संसाधनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ संसाधन किसे माना जाता है, तो उसी को हम कहते हैं मानव संसाधन को। यानी मानव संसाधन को हम सबसे सर्वश्रेष्ठ संसाधन मानते हैं। इस तरह से आपको हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि संसाधन क्या होता है, यानी हर एक वह चीज संसाधन है जिसका उपयोग हम करते हैं अपनी जरूरत के लिए। आशा है कि यहां तक आप लोगों को संसाधन के बारे में कुछ नई जानकारियां मिल गई होगी। बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। आगे लिखा है एक पॉइंट, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां लिखा है कि एक प्रसिद्ध भूगोलविद, भूगोलविद का मतलब होता है भूगोल के विद्वान, जिनका नाम था जिम्मरमैन, नाम था इनका जिम्मरमैन, उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, उन्होंने कहा था। इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि मान लीजिए कि आपसे कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसने कहा था, तो आपको बता देना है कि जिम्मरमैन ने कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि संसाधन पहले से मौजूद नहीं होते हैं बल्कि उसको बनाया जाता है, और सही बात भी है। जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है तब तक हम उस चीज को बनाते नहीं है, इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे कि आज से हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो आदि मानव होते थे वह कच्चे मांस खाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको आग का पता नहीं था, उन्हें यह पता नहीं था कि मांस को पकाकर खाया जाना चाहिए। तो उनको पता चला, एक बार घटना हो गया अचानक, जिससे उनको पता चला कि आग नाम की कोई चीज़ होती है, और आग से पके हुए भोजन कच्चे भोजन से कई गुना स्वादिष्ट होता है। तो उनको आग का पता चल गया, और इस तरह से जो है एक नए संसाधन का निर्माण हुआ इस दुनिया में, जिसको हम आग कहते हैं, और उससे लोग उसके बाद जो है आग के द्वारा पके हुए भोजन का इस्तेमाल करने लगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि संसाधन पहले से मौजूद नहीं होते हैं बल्कि संसाधन को बनाया जाता है, वही बात हमने वहां पर लिखा है। आगे हम देखते हैं, जैसे हमने अभी संसाधन का परिभाषा देखा, अब आगे देखते हैं कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है या संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यहां से हम लोग सिर्फ संसाधन की प्रकार के बारे में वर्णन करेंगे। यहां लिखा है संसाधनों का वर्गीकरण, उसके बाद लिखा है कि संसाधनों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। यानी संसाधन एक प्रकार के नहीं होते हैं बल्कि कई प्रकार के होते हैं, और उसका जो वर्गीकरण है वह कई आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। इस पर संसाधन के दो प्रकार हैं, उपयोगिता के आधार पर इस पर भी दो प्रकार हैं, स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार हैं, और विकास की स्थिति के आधार पर इस पर भी संसाधन के चार प्रकार हैं। इस तरह से उत्पत्ति के दो, उपयोगिता के दो, स्वामित्व के चार, और विकास की स्थिति के आधार पर चार, और इस तरह से जो है चार चार आठ दो दस दो बारह, यानी 12 प्रकार के संसाधन का वर्णन हम लोगों को आज के इस एपिसोड में करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो सबसे पहला आपका संसाधन है जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर, उसका वर्णन हमने लिखा है यहाँ पर कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। इसको समझते हैं।
ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। क्या आएगा प्रश्न? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दो प्रकार के। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है प्रश्न। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव का मतलब क्या है उसको अब देखते हैं, जैव संसाधन का क्या मतलब होता है। यहां लिखा है जैव संसाधन, परिभाषा क्या है? ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। ये परिभाषा है, आपको याद करना है, हमें सिर्फ समझाने का काम है, समझाते हैं। देखिए यहां लिखा है जैव संसाधन, जैव से तात्पर्य क्या है? जैव से संसाधन, जैव से तात्पर्य है जीव, जैव का अर्थ है जीव, यानी वैसा संसाधन जो जीव है, जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, वही है जैव संसाधन। इसीलिए हमने यहां लिखा है ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी जीव से होती है, यानी जिसमें प्राण होती है, उसी संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। अब जिसमें प्राण होगी वह सजीव भी होगा, और जो सजीव होगा उसमें सजीव के लक्षण भी मौजूद होंगे। जैसे कि मनुष्य में सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, इसीलिए, और मनुष्य में प्राण भी होते हैं, इसीलिए मनुष्य को जैव संसाधन कहा गया। वनस्पति में भी प्राण होता है, वनस्पति भी सजीव की तरह जो है बिहेव करता है, इसीलिए वनस्पति को भी हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। मत्स्य यानी मछली भी हो जाएगा, पशु हो जाएगा, प्राणी समुदाय यानी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सभी को हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ये हुई आपके जैव संसाधन। अब हम दूसरा देखते हैं अजैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का परिभाषा है निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि अजैव संसाधन और जैव संसाधन में क्या अंतर है। तो हमने जैव संसाधन का आपको परिभाषा बताया कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी सीधा मतलब कहने का कि जो चीज प्राणी है, जो सजीव है, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं, और जो सजीव नहीं है, जो निर्जीव है, डायरेक्ट समझिए आप कि जो निर्जीव है उसी को कहते हैं हम अजैव संसाधन। जो प्राणी नहीं है, जिसमें जान नहीं है, उसको कहते हैं हम अजैव संसाधन। इसीलिए हमने लिखा है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। सीधा मतलब समझिए आप, जैव का मतलब वैसा संसाधन जो सजीव है, अजैव का मतलब वैसा संसाधन जो निर्जीव है। सिंपल सी बात है, जैव का मतलब सजीव, अजैव का मतलब निर्जीव। जैसे चट्टान, चट्टान निर्जीव चीज है, इसीलिए अजैव संसाधन होगा। धातु, ये भी अजैव संसाधन। खनिज, ये भी अजैव संसाधन। अब आगे हम लोग देखते हैं संसाधन का दूसरा प्रकार के बारे में। पहला हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने, तो दो, जैव और अजैव। अब दूसरा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, और उपयोगिता के आधार पर क्या होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है इसको भी समझिए। आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक समझिए। जैसे हमने जैव अजैव का मतलब क्या समझा, जैव का मतलब सजीव और अजैव का मतलब निर्जीव, उसी तरह से हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय को भी अच्छे से समझेंगे। नवीकरणीय किसको कहते हैं, सिंपल सा देखिए, बहुत सिंपल सा परिभाषा है। क्या लिखा हुआ है? वैसा संसाधन जिसे एक बार समाप्त होने के बाद पुनः भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सिंपल सी बात है। मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, एक एग्जाम्पल लेते हैं सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है, तो सौर ऊर्जा का मतलब हो गया सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का मतलब सोलर एनर्जी। अब जैसे आप लोगों के घर में भी सोलर एनर्जी होगा, यानी सोलर लाइट होगा, एक बैटरी होगा और वह कनेक्टेड होगा सोलर से। अब क्या करते होंगे आप घर में कि उस बैटरी से बहुत सारा बल्ब वगैरह या फिर पंखा वगैरह चलाते होंगे, और जब वह डिस्चार्ज हो जाता होगा बैटरी, तो फिर दिन में धूप होता होगा और उस सोलर से वह बैटरी फिर से चार्ज हो जाता होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बैटरी आपके पास एक ही है, आप उसका दिन भर में
चार्ज किए और रात भर में उसका उपयोग किए। इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या कर रहे हैं कि एक बार उसका उपयोग कर रहे हैं और एक बार उसका उसको आप चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक ही बैटरी का बार बार उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर हमने परिभाषा लिखा वैसे संसाधन जिसे एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर से उपयोग कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, यहां लिखा हुआ है पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा का मतलब होता है कि पवन से भी हम ऊर्जा बनाते हैं। पवन ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि पवन ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा होता है जिसका हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए यह नवीकरणीय संसाधन होगा। वन हो गया या वन्य प्राणी हो गया, यानी सीधा मतलब नवीकरणीय का मतलब वैसा संसाधन जिसका हम एक बार इस्तेमाल कर लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम नवीकरणीय संसाधन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक संसाधन है जिसका नाम है कोयला। कोयला भी एक संसाधन है। कैसे है कोयला संसाधन? तो कोयला का हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए या फिर फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारा काम है कोयला का। तो कोयला एक प्रकार का संसाधन है, और कोयला संसाधन है तो कोयला के बारे में आप इस तरह से समझिए कि जब हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं तो कोयला को एक बार हम इस्तेमाल किए यानी खाना बनाए मान लीजिए, और जैसे ही खाना बनाए तो कोयला हो गया समाप्त। अब जब कोयला समाप्त हो गया तो हम उससे फिर से खाना नहीं बना सकते हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोयला एक प्रकार का ऐसा संसाधन है जिसका हम एक बार उपयोग किए और यह हो गया खत्म, यानी इसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा होता है जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए सौर ऊर्जा जो है वह है आपका नवीकरणीय, और जिसका उपयोग हम एक बार किए खत्म हो गया दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसीलिए हमने इसका परिभाषा लिखा है वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, कोयला का हम उपयोग किए और कोयला हो गया समाप्त, यानी फिर से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, फिर से खाना बनाना है तो नया कोयला लाना पड़ेगा तब खाना बनेगा, इसीलिए कोयला जो है वह है आपका अनवीकरणीय संसाधन। और जो आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, विद्युत है, वन है, वन्य प्राणी है, यह सब आपका है नवीकरणीय संसाधन। तो क्या मतलब समझे आप? आपको क्या याद रखना है? याद रखना है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का क्या मतलब? वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग किए और फिर से उपयोग कर सकते हैं उसको, यानी एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त नहीं होता है बल्कि हम उसको फिर से उपयोग कर सकते हैं, उसी को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और वैसा संसाधन जिसका हम एक बार इस्तेमाल किए खत्म खलास उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं उसी को कहते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। इसका हमने शॉर्टकट में एग्जांपल लिखा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है वैसा ईंधन जिसकी प्राप्ति जीवों के अंश से हुई है, जैसे कि कोयला, कोयला का प्राप्ति जीवों के अंश से हुई है, इसीलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया जीवाश्म ईंधन। और इस तरह से आपका कोयला जो है वह होगा अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको बताना है अनवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन। अब इस तरह से हम लोगों ने नवीकरणीय और अनवीकरणीय को देख लिया। अब हम संसाधन का तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं जिसका नाम है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हैं, ध्यान रखना है। पहला आप क्या पर हैं? उत्पत्ति के आधार पर, कितने? दो। दूसरा उपयोगिता के आधार पर, कितने? दो। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, कितने? चार। यानी स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वह है आपका चार प्रकार का। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी इस चारों के बारे में अब हम देखते हैं ये किसके आधार पर है, याद रखना है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर, यानी कुछ संसाधन ऐसा होगा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर या इस भारत में जिसका मालिक कोई एक होगा, अकेला आदमी होगा, उसको हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जिसका मालिक अकेला होता है, कोई निजी व्यक्ति होता है, कोई खास व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? स्वामित्व के आधार पर रखा गया। स्वामित्व के आधार का मतलब ही होता है मालिकाना हक के आधार पर संसाधन के प्रकार। और मालिकाना हक का मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जिसका मालिक केवल एक हो, कोई निजी व्यक्ति हो, कोई खास व्यक्ति हो, उसको कहते
कहते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन। कोई ऐसा संसाधन हो सकता है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर या इस भारत में, जिसका मालिक पूरे समुदाय के लोग होंगे, यानी कोई खास आदमी नहीं होगा बल्कि एक समुदाय का आदमी होगा। कुछ ऐसा संसाधन होगा जिसका मालिकाना हक देश का होगा। कुछ ऐसा संसाधन होगा जिसका मालिकाना हक किसी एक देश के पास नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के पास होगा। इस तरह से इन चारों के बारे में अब हम देखते हैं बारी बारी से। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, इसको समझते हैं कि क्या होता है। ये लिखा है यहाँ, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, उसे ही हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसको समझिए अपनी भाषा में। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं उसको समझिए। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जमीन होगा, आपके पास होगा जमीन, बिल्कुल होगा, सबके पास होता है, आपके पास भी होगा जमीन। मान लीजिए कि आपके पास जमीन होगा, वह जमीन जो है आपके पास, उसका मालिक कौन है? तो उसका मालिक है या तो आपका दादा या तो आपके पिता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसका मालिक आपके ही कोई ना कोई परिवार के सदस्य होंगे, कोई गांव के दूसरे सदस्य नहीं होंगे या दूसरे व्यक्ति नहीं होंगे। यानी आपके पास जो जमीन होगा उसका मालिक आप ही के परिवार के कोई ना कोई आदमी होगा, यानी उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। और उसी संसाधन को, उसी जमीन को कहते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन, क्योंकि परिभाषा ही इसका वही है कि ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, सबका नहीं हो। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें होंगी, उसका मालिक हम हैं, इसीलिए वह भी है आपका व्यक्तिगत संसाधन। हम व्यक्तिगत संसाधन को निजी संसाधन भी कह सकते हैं। आपके पास अपना गाड़ी भी हो सकता है, वह गाड़ी पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, और आप जिस तरह से चाहते हैं उसका उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह भी व्यक्तिगत संसाधन है या आपका निजी संसाधन है। लेकिन यहां पर एक अगला लाइन लिखा है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। अब जैसे आपके पास गाड़ी हो, चाहे जमीन हो, जायदाद हो, कुछ भी हो, उसके बदले में आप सरकार को टैक्स भरते हैं। जैसे जमीन के बदले में भी आप सरकार को टैक्स देते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर वह चीज जिस पर हमारा अपना अधिकार हो, स्वयं का अधिकार हो, निजी अधिकार हो, या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का अधिकार हो, और उसके बदले में हम सरकार को टैक्स देते हो, उसी को कहते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन। समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक क्या होता है? तो व्यक्तिगत का मतलब जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वह जिस तरह से चाहेगा उसी तरह से उसका इस्तेमाल करेगा, जैसे चाहेगा वैसे करेगा। लेकिन एक ऐसा भी संसाधन होता है जो किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि उसमें उस पर एक गांव का अधिकार होता है, एक समुदाय का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में मंदिर भी हो सकता है या मस्जिद भी हो सकता है। मंदिर का इस्तेमाल आप कैसे करते होंगे? सिर्फ आप ही तो नहीं जाते होंगे पूजा करने, आपके गांव के हर लोग जाते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस मंदिर पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि हर व्यक्ति जा सकता है उसमें और अपना पूजा पाठ कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह मंदिर जो है व्यक्तिगत यानी किसी खास व्यक्ति के अधिकार में नहीं है बल्कि कि पूरे समुदाय यानी पूरे गांव के अधिकार में है, यानी पूरे गांव का मंदिर है वो। चाहे मस्जिद में गांव के सभी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद भी जो है वह आपका होगा सामुदायिक संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिसमें समाज के यानी गांव के हर लोग जा सकते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता है वहां जाने से, वैसे संसाधन को कहते हैं हम सामुदायिक संसाधन। इसीलिए हमने परिभाषा लिखा है, ऐसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है, जिसका उपयोग समुदाय के लिए सुलभ होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ उसका उपयोग एक आदमी नहीं करेगा बल्कि समुदाय के हर लोग कर सकते हैं, उसी को कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे कि चारण भूमि, गांव में कुछ ऐसा भूमि होगा जहां पर गांव के हर लोग अपना जानवर को, यानी कहने का मतलब जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, इन सभी को चराने के लिए जाते होंगे और चराते होंगे, है नहीं, उसको कहते हैं हम चारण भूमि। और वह चारण भूमि जो है वह आपका कहलाएगा सामुदायिक संसाधन। शमशान,
शमशान का मतलब क्या होता है? तो शमशान का मतलब जहां पर लोगों का यानी मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उस शमशान की बात हो रही है। और वह शमशान जो होता है किसी खास व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता है, बल्कि गांव के अधिकार में होता है। गांव या समुदाय के जितने भी लोग मृत होते हैं उनको इस शमशान में दफनाया या फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो शमशान घाट भी आपका जो है वह हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। मंदिर तो समझाए हैं अभी हमने, मस्जिद भी। सामुदायिक भवन का मतलब होता है ऐसा घर जहां पर गांव के सभी लोग जाकर के मिलजुल करके कोई बातचीत करते होंगे, किसी भी समस्या का हल करते होंगे, वैसे भवन को हम कहते हैं सामुदायिक भवन। तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन को थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों को समझना है। हमने पहला समझा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा समझा सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन भी बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे कि तालाब। तालाब पर भी किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो सकता है और तालाब पर किसी समुदाय का भी अधिकार हो सकता है। यानी अगर कोई तालाब ऐसा है जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार है तो वह सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, और कोई तालाब ऐसा है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है तो वह आएगा व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। अगर कोई बागीचा है जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया है तो वह आएगा आपका व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। और कोई बागीचा ऐसा हो सकता है जो समुदाय के हर लोग मिलकर के उसको बनवाए होंगे तो उसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। इस तरह से हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा, और आपका जो तीसरा है वह है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन को समझते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है हमें, बड़ा ही सिंपल है, भारी तो कुछ भी नहीं है। देखिए लिखा है देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। खत्म। क्या है इसमें, क्या है राष्ट्रीय संसाधन? बिल्कुल सिंपल है, अपना भारत देश है, बहुत बड़ा देश है, इस पूरे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, खनिज है, चट्टान है, बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं हैं, सोना चांदी हीरा मोती न जाने क्या क्या अपने देश में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की है। यानी भारत में जितने भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, जितने भी हर एक चीज़ें, सब चीज़ को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। हर एक चीज़ को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि आपको कहीं पर भूमि दिखाई देता होगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमने एक बताया बात कि व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है कि वह चीज़ जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसमें हमने भूखंड लिखा, भूखंड का मतलब भूमि, और यहाँ भी हमने भूमि लिख रखा है, तो फिर इसमें अंतर क्या हुआ? तो अंतर ये है कि एक भूमि आपका ऐसा होगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा, और एक भूमि ऐसा होगा जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होगा, तो वह हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। लेकिन वह भूमि जो आपका है और वह भूमि जो समुदाय का है, वह दोनों भूमि अगर सरकार को कोई काम पड़े, वहां से किसी काम को करना है उस भूमि पर सरकार को, तो वह जो आपका भूमि है जिस पर आपका अधिकार है, वह भूमि सरकार आपसे ले सकती है, लेकिन उसके बदले में आपको मुआवजा देगी सरकार। तो यानी कहने का क्या मतलब है मेरा? मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज, हर एक संसाधन जो भारत में उपलब्ध है वह सब राष्ट्रीय संसाधन है, चाहे उस पर मेरा ही हक क्यों ना हो, चाहे उस पर आपका ही हक क्यों ना हो, हर एक चीज को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज की जरूरत अगर सरकार को पड़े तो वह आपसे ले सकती है, आप इसमें मना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हर एक चीज राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा, तो कभी कभी कहीं से सड़कें निकलती है, तो जब सड़कें निकलती है तो उस सड़कों में जितने भी खेत खलिहान आते हैं वह सभी खेत खलिहान सरकार ले लेती है, चाहे वह किसी निजी व्यक्ति के ही अधिकार में क्यों ना हो, मगर ले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसको ज़रूरत है, तो आप उसमें रोक भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने यहां पर कहा है कि भारत में जितने भी संसाधन है वह सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भूमि, सारा भूमि राष्ट्रीय संसाधन है। खनिज का मतलब जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं जरूरत की, वह राष्ट्रीय संसाधन है। जल संसाधन मतलब जल, राष्ट्रीय संसाधन है। वन यानी पेड़ पौधे जितने भी दिखाई देते हैं वह सभी, वन्य जीव का मतलब होता है जंगलों में रहने वाले जीव जितने भी हो गए, शेर बाघ, सब एक चीज राष्ट्रीय संसाधन है। अगला यहां पर एक बात लिखा है जिस पर गौर करना है आप लोगों को। यहां लिखा है तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसको थोड़ा सा आप इधर समझिए अच्छे से, देखिए ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि हम यहां पर भारत का जो दक्षिणी सीमा है उसको हम बना दिए, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिण,
ये है आपका भारत का दक्षिणी छोर। अब दक्षिणी छोर में यहां पर है आपका भारत का सबसे अंतिम छोर यानी तट, जिसको हम किनारा बोलते हैं। यह है आपका भारत का किनारा। और इस भारत के किनारे के बाद यहां है आपका हिंद महासागर, यानी एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। यह हिंद महासागर है आपका, ठीक है। अब इस हिंद महासागर में इतना बड़ा सागर है तो जाहिर है कि यहां पर बहुत सारी मछलियां होगी। तो इस मछली को, यहां पर बहुत सारी मछलियां होगी तो आखिर इस मछली का मालिक कौन होगा? जैसे आपके गांव में तालाब होगा, उस तालाब का मालिक कोई ना कोई हो सकता है। कौन होगा? या तो कोई व्यक्ति, खास व्यक्ति होगा, या तो पूरे समुदाय का वो तालाब होगा, या फिर सरकार का होगा। तीन चीज। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा, जो हिंद महासागर में मछली है वह, उसका मालिक कौन है? तो उसका मालिक कौन है, इसको आप समझिए यहां पर गौर से। यहां पर आपको समझना है कि मान लीजिए कि यह है आपका भारत का जो दक्षिणी छोर है वो, और ये किनारा है, और इस किनारे के अंदर जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी वह सभी तो हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन, उसको जो हमने बताया अभी भारत देश के अंदर सब कुछ राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन ये भारत के बाहर जो ये तट रेखा है, इससे बाहर का जो चीज है, जो मछलियां हैं, जो भी काम की चीजें हैं, उसको किस संसाधन के अंतर्गत रखेंगे हम? तो जान लीजिए आप कि इस देश की सीमा से, चाहे इसी देश नहीं दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों की सीमा से 200 किलोमीटर तक आपको जाना है। किस तरफ? समुद्र की तरफ। आपको किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर तक समुद्र की तरफ जाना है, और उस 200 किलोमीटर तक में जितने भी पानी आएंगे, जितनी भी मछलियां आएंगी, जितने भी खनिज पदार्थ आएंगे, वह सभी का मालिक जिस देश का सीमा 200 किलोमीटर के क्षेत्र में आता होगा वह होगा। जैसे समझिए आप, यह है भारत, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में आप 200 किलोमीटर अंदर जाइए, 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब का मालिक कौन? तो भारत होगा। आप 200 किलोमीटर इधर जाइए, इधर का भी मालिक कौन होगा? भारत होगा। आप 200 किलोमीटर इधर जाइए, इसका भी मालिक कौन होगा? भारत। लेकिन ध्यान रहे, यह किधर जाना है हमको 200 किलोमीटर? तो हमको समुद्र की तरफ जाना है। अब भारत का आप ऊपरी नक्शा जब देखिएगा, भारत का ऊपरी नक्शा, तो आपको यहां पर जो है नेपाल का नक्शा दिखाई देगा। यहां पर आपको नेपाल है, और नेपाल के जस्ट नीचे है आपका बिहार। तो बिहार और नेपाल दोनों के बीच में तो गैप ही नहीं है, यानी समुद्र ही नहीं है। तो समुद्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हम अपने बिहार से 200 किलोमीटर तक नेपाल की तरफ जाएंगे और वह नेपाल हमारा है 200 किलोमीटर। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि 200 किलोमीटर कहाँ जाना है हमको? तो किसी भी देश के तट रेखा से, यानी समुद्री छोर जहाँ पर है आपका, वहाँ से आपको 200 किलोमीटर जाना है, और वह जो क्षेत्र है वह कहलाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन। सिर्फ 200 किलोमीटर ही जाना है, 200 किलोमीटर के बाद नहीं जाना है। अगर 200 किलोमीटर के बाद जाइएगा तो कौन सा साधन होगा? तो उसको कहेंगे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या लिखा है परिभाषा? ऐसे संसाधनों का नियंत्रण राष्ट्रीय संस्था करती है। इसको बाद में देखेंगे, पहले परिभाषा को देखिए। यहां लिखा हुआ है तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सिंपल समझिए आप। हमने अभी क्या बताया कि कोई भी देश की सीमा पर जाइए आप, और किस सीमा पर जाना है? जहां से उस देश की समुद्री सीमा टच होती है, तो यहां पर आपको जाना है, और यहां से 200 किलोमीटर तो कौन सा कहलाएगा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद का जो संसाधन है, जितना भी समुद्री भाग है, उसका मालिक ये भी देश नहीं है अब, क्योंकि 200 किलोमीटर का ही मालिक है ये। ये जो बच गया आपका 200 किलोमीटर के बाद का जो संसाधन है यानी समुद्र है, उसी को हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसलिए परिभाषा यहां लिखा है तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ देना है, और जो छूट गया और उसके बाद जो खुले महासागर में जो संसाधन बचे वह सब आपका कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब सवाल यह उठता है कि इसका मालिक कौन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन का मालिक तो देश की सरकार है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मालिक कौन होगा? तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मालिक होगा अंतरराष्ट्रीय संस्था। हम लोगों ने संसाधन का तीन वर्गीकरण देख लिया, अब हम चौथा वर्गीकरण को देखते हैं संसाधन के, जिसका नाम है विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है आपका संचित कोष संसाधन। बारी बारी से इसका भी अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला है आपका संभाव्य संसाधन, समझते हैं इसको।
परिभाषा लिखा हुआ है, ऐसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं एवं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो परंतु अभी तक उपयोग नहीं किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल में है हिमालय क्षेत्र का खनिज, यानी मान लीजिए कि हिमालय के आसपास या हिमालय के नीचे में बहुत सारा खनिज दबा हुआ है। अब उस खनिज को अगर हम चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम अभी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश। इसीलिए हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा है, ऐसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद हो। तो मान लीजिए कि हिमालय के नीचे कोई खनिज दबा हुआ है लेकिन उसका उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसी को कहते हैं हम संभाव्य संसाधन। समझ में आया होगा संभाव्य संसाधन किसको कहते हैं, इसका नाम ही है संभाव्य। संभाव्य का मतलब होता है संभावना, यानी संभावना है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं परंतु उसका उपयोग अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, उसी को कहते हैं हम संभाव्य संसाधन। अगला है आपका विकसित संसाधन। विकसित संसाधन को अच्छे से समझिए, विकसित संसाधन क्या होता है। विकसित का मतलब होता है वैसा संसाधन जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है, मतलब कोई भी संसाधन ऐसा जिसके बारे में हमको हर एक जानकारी प्राप्त हो गई है, हर एक चीजों के बारे में पता चल गया है उसके बारे में, उसी को कहते हैं विकसित संसाधन। इसीलिए हमने परिभाषा लिखा है वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब समझिए, सर्वेक्षण का मतलब होता है जिनका सर्वे हो चुका है, ऐसा संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है यानी सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वे यानी उसके बारे में पता लगाया जा चुका है और यह भी पता लगाया जा चुका है कि वह संसाधन कितनी मात्रा में है और वह किस गुणवत्ता वाला है। यानी कोई भी संसाधन ऐसा जिसके बारे में सर्वेक्षण करने के बाद हमें उसकी मात्रा का भी पता चल गया हो और गुणवत्ता का भी पता चल गया हो, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा संसाधन जिनके बारे में हमें हर एक जो ज़रूरत की जानकारी है वह प्राप्त हो गई है, उसी को कहते हैं हम विकसित संसाधन। इसीलिए हमने यहाँ परिभाषा लिखा है वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण के बाद मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो जाता है उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में है भूतापीय ऊर्जा, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाने वाला पेट्रोलियम, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो पेट्रोलियम पाया जाता है उसके बारे में हर एक जानकारी मिल गई हमें कि वह पेट्रोलियम कितनी मात्रा में है और उस वह किस गुणवत्ता वाला पेट्रोलियम है, उसका सर्वेक्षण भी हो चुका है, इसीलिए हम इसको कहते हैं विकसित संसाधन। तीसरा है आपका भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है परंतु तकनीक के अभाव के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसी को कहते हैं भंडार संसाधन। यानी जिसका खोज हो चुका है, जिसके बारे में पता चल चुका है लेकिन उसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी होता तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं और उसका उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह कहीं पर भंडारित है, उसी को कहते हैं हम लोग भंडार संसाधन। चौथा है आपका संचित कोष संसाधन। ऐसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन भविष्य में की पूंजी मानकर फिलहाल इसका उपयोग शुरू नहीं किया गया, उसी को कहते हैं संचित कोष संसाधन। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, यह संसाधन ऐसा है जिसका उपयोग हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तकनीक नहीं है। हमको पता है कि संसाधन यहाँ पर पड़ा हुआ है लेकिन मेरे पास तकनीक नहीं है जिसके कारण हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है जब तकनीक आएगा तो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा है कि इसको हम उपयोग कर सकते हैं, यानी संचित को संसाधन का उपयोग हम अभी फिलहाल कर सकते हैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है उपयोग करने का, लेकिन हम इसलिए इसको छोड़े हुए हैं ताकि हम भविष्य में उपयोग कर सके। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको संसाधन के बारे में जानकारियाँ मिली होगी, संसाधन के बारे में आपको समझ में आया होगा, संसाधन के प्रकारों के बारे में आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार नहीं, जितनी बार जरूरत पड़े देख सकते हैं और संसाधन के प्रकार और संसाधनों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि संसाधन क्या होता है, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा के लिए यह संसाधन का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपने क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।